बस बैठिए, पकड़िए, क्या पूछना चाहते हैं? महाराज जी, मैं आपके पास हर बार सोचती हूँ कब जाऊँ कब जाऊँ, लेकिन ऐसा मौका नहीं लग पाया कभी कि मैं आपके पास पहुँच पाऊँ। 2014 में मैं गई थी जब लोकसभा चुनाव लड़ी थी, मालूम है। तो एक तो मैं राजनीति बहुत साफ सुथरी करती हूँ, फिर भी मुझे चुनाव कैसे हराया, और दूसरी मेरी बिटिया की बिटिया नातनी मेरी 3 साल की हो गई, अब वो बोलती नहीं। दो मेरे पकड़िए, हमें लिखा है राजनीतिक उन्नति होगी, विस्तार होगा, हराए हुए व्यक्ति का नाम नहीं लिया जाएगा, आपके ही वर्तमान की पार्टी का व्यक्ति है। आप पढ़ लीजिए, आपके ही वर्तमान का पार्टी का व्यक्ति है। अब व्यक्ति में तो बहुत लोग है, पूरी दुनिया है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी राजनीति में विस्तार होगा, उन्नति होगी, और आपको हारने पर भी जीत, और जीतने के बाद भी आपने सीधा 6 मार दिया, अध्यक्ष अपना बना लिया, उपाध्यक्ष अपना, तो ये भगवत कृपा है। पार्टी की इच्छा है कि आप बढ़ो आगे, और कांग्रेस भी आपकी थी, भाजपा भी आपकी है, और मैन है कांग्रेस भाजपा की जनता, जिसने आपको नेता माना, जिसने अपना मुखिया माना, अपनी बात रखने की क्षमता आप में दी, इसी के लिए आपको साधुवाद आशीर्वाद। पंडुका सगा का दर्शन करें, हारे वाले व्यक्ति का नाम नहीं बताया जा सकता है, परंतु बताने में समर्थ हूं, लेकिन जब तुम्हारा डबरा में कार्यक्रम होगा तब मैं बता के आऊंगा। ले जाओ, आपकी नातिन को जवान प्राप्त होगी, लेकिन पंडो का सगा लेके आओ। चलिए लीजिए, इसमें उपाय विधि इसलिए नहीं लिखा गया क्योंकि आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आप पंडो का दाम आए तब मैं आपको बारे में बताऊंगा।